नया साल आने में कुछ ही दिन बचे हैं। लोग नए साल को सेलिब्रेट करने की तैयारियों में लगे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर किस तरह इस बार नए साल की शुरुआत को खास बनाया जाए। कोई अपने घर में इसकी तैयारी कर रहा है तो कोई शहर से बाहर जाकर घूमने का प्लान बना रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप नए साल में कहीं भी जश्न मनाएं, लेकिन आपको केंद्र सरकार की कोरोना को लेकर दी गई कुछ एडवाइजरी को ध्यान में रखना होगा। ये एडवाइजरी देश के सभी राज्यों के लिए भेजी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना को देखते हुए राज्य सरकारों को कुछ हिदायतें दी हैं। उन्होंने कोरोना को लेकर कई बैठक की और इस दौरान उन्होंने फैसला किया कि नए साल के जश्न को देखते हुए देश के सभी राज्य टेस्ट ट्रैक ट्रीट एंड वैक्सीनेशन पर विशेष तौर पर ध्यान दें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, राज्य के लोग किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। साथ ही साथ अपने निर्देश में मंत्री ने कहा कि इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियों के निगरानी पर ध्यान रखते हुए उसकी रिपोर्टिंग करके स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को पहुंचाए। दुनिया भर में एक बार कोरोना ने फिर दस्तक दे दी है, ऐसे में भारत सरकार ने भी अपनी तैयारियों को बारीकी प्रदान करके राज्यों को हिदायत दी है, खासकर नए साल के लिए। केंद्र की बातों पर अमल करते हुए नए साल और त्योहारों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भी केंद्र और राज्य सरकार की एडवाइजरी सभी जिले के जिलाधिकारियों को भेज दी है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि टेस्ट ट्रैक और ट्रीट एंड वैक्सीनेशन का पालन करने में राज्य हमेशा सक्षम रहा है और आगे भी इन्हीं का पालन करना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग किए जाने की भी निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकार ने कहा है कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में मास्क का प्रयोग किया जाए।